दोस्तों, बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि कुछ कलाकार जब अभिनय की दुनिया में एंट्री मारते हैं तब वे शुरुआती दौर में तो काफी सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक उनके करियर का ग्राफ नीचे गिर जाता है और उनका फिल्मी सफर लगभग रुक सा जाता है, या यूं कहें कि खत्म हो जाता है। हालांकि इस कैटेगरी में आने वाले कई कलाकार हैं, लेकिन आज हम उनमें से एक कलाकार की बात करने वाले हैं जिसने अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में काफी नाम कमाया और कुछ फिल्मों के बाद उसे गवा भी दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने शुरुआती करियर में लोकप्रियता हासिल करने वाली अभिनेत्री ग्रेसी सिंह के बारे में, जिन्होंने कई बड़े फिल्मों में काम किया और फिर उसके बाद उन्हें छोटे पर्दे पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल वो किसी भी फिल्म में बोल्ड सीन करने से बचती थी, इसलिए उन्हें फिल्में मिलना कम हो गई। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने कई अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करें उनके शुरुआती दौर की, तो उनका जन्म 20 जुलाई साल 1980 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मानव स्थली स्कूल दिल्ली से पूरा किया और फिर उसके बाद उन्होंने आर्ट्स में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। हालांकि उन्हें बचपन से ही फिल्मों में आने का कुछ खास शौक नहीं था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ एक्टिंग की फील्ड में उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। स्कूल के दिनों में ही वो डांसिंग करना सीख रही थी और वो भरतनाट्यम की भी क्लासेस लेती थी। स्कूलिंग करने के बाद एक तरफ उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना जारी रखा, वहीं दूसरी तरफ प्लैनेट नाम की एक डांस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ डांस भी सीखने लगी। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की है, और उन्हीं कलाकारों में से एक हैं ग्रेसी सिंह, जिन्होंने साल 1997 में एक टीवी सीरियल अमानत के लिए ऑडिशन दिया और उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। इस तरह उन्हें उनका पहला काम मिला। उसके बाद साल 1999 में उन्हें उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसका शीर्षक है हुतुतु, और जो एक ड्रामा फिल्म थी जिसे गुलजार द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म में नाना पाटेकर के अलावा सुनील शेट्टी दिखाई दिए, और वहीं अभिनेत्रियों की बात करें तो इस फिल्म में तब्बू और सुहासिनी मुलय जैसी अभिनेत्रियां दिखीं, जबकि ग्रेसी शांति की सहायक भूमिका में नजर आईं। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को अधिक सफलता तो नहीं मिली, लेकिन दर्शकों द्वारा इसे एक औसत प्यार जरूर मिला। हालांकि ग्रेसी को उनकी पहली फिल्म से कोई भी खास लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। बहरहाल, फिल्म में उनके काम को देखकर उन्हें आगे एक और फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसका शीर्षक था हम आपके दिल में रहते हैं। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे सतीश कौशिक द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म में अनिल कपूर विजय की मुख्य भूमिका में दिखाई दिए, जबकि उनके अपोजिट अभिनेत्री काजोल नजर आईं। उन्होंने इस फिल्म में मेघा की भूमिका निभाई थी, जबकि ग्रेसी का किरदार काफी अच्छा था। जी हाँ, उन्होंने माया की सहायक भूमिका निभाई थी। इसके अलावा इस फिल्म में कई अन्य कलाकार शामिल थे, जैसे अनुपम खेर, राकेश बेदी, सतीश कौशिक, आदि ईरानी, शक्ति कपूर और राजू श्रेष्ठा। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद फिल्म ने काफी अच्छी कमाई किया और दर्शकों को फिल्म काफी ज्यादा पसंद भी आई। फिल्म ने अवार्ड भी जीता और इस फिल्म से ग्रेसी को काफी हद तक लोकप्रियता हासिल हुई। दोस्तों, आगे उन्हें एक और सुपरहिट फिल्म में काम करने का मौका मिला और उस फिल्म का शीर्षक था लगान। इस फिल्म के निर्देशक थे आशुतोष गोवारीकर। इसमें आमिर खान मुख्य भूमिका में नजर आए और उनके अपोजिट नजर आए ग्रेसी सिंह। इस फिल्म में कई अन्य सहायक कलाकारों ने भी अपना अहम योगदान दिया था। खैर, बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों का काफी प्यार मिला और ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म से ग्रेसी सिंह को काफी लोकप्रियता हासिल हुई और वो दर्शकों के बीच पहचानी जाने लगी। हालांकि आगे उनके साथ क्या होने वाला था इससे वो भी बेखबर थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए उनके द्वारा अभिनीत कुछ और फिल्मों को देख लेते हैं। उनकी चौथी बॉलीवुड फिल्म का शीर्षक है अरमान, जिसे हनी ईरानी द्वारा निर्देशित किया गया था और ये फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई थी। इसमें अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, प्रीति जिंटा जैसे कलाकार दिखाई दिए। वहीं ग्रेसी ने डॉक्टर नेहा माथुर की सहायक भूमिका निभाई थी। रिलीज होने के बाद इस फिल्म को भी दर्शकों से प्यार मिला, लेकिन ये फिल्म अधिक कमाई करने में सफल नहीं हो पाई। वहीं ग्रेसी सिंह को इस फिल्म से कुछ खास फायदा नहीं हुआ और यहीं से उनके अभिनय करियर का बुरा दौर शुरू हो गया। वैसे आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने दो चार और फिल्मों में काम किया, जिसने उनके करियर को ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया, लेकिन फिर भी वो अपने करियर को डूबने से नहीं रोक पाई। साल 2003 में ही उनकी एक और फिल्म आई, जिसका शीर्षक था गंगाजल, जिसे प्रकाश झा द्वारा निर्देशित किया गया था, जो एक एक्शन क्राइम फिल्म थी। इसमें अजय देवगन, अमित कुमार की मुख्य भूमिका में दिखाई दिए, जबकि ग्रेसी उनकी पत्नी के रूप में नजर आई। दर्शकों द्वारा उनके अभिनय को काफी सराहा गया था और इस फिल्म को काफी प्यार मिला। फिल्म ने
कई पुरस्कार भी जीते और सभी कलाकारों के अभिनय को काफी पसंद किया गया। इस फिल्म से ग्रेसी एक बार फिर दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गई और उन्हें गिनी चुनी अभिनेत्रियों में गिना जाने लगा। लेकिन उनकी अगली फिल्म जिसका शीर्षक था मुन्ना भाई MBBS भी उनके करियर के लिए काफी अच्छी रही। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। राजकुमार हिरानी द्वारा निर्देशित ये फिल्म भी साल 2003 में ही रिलीज हुई थी, जिसमें सुनील दत्त लीड रोल में नजर आए और ग्रेसी भी डॉक्टर सुमन अस्थाना की एक शानदार भूमिका में नजर आईं। वहीं इस फिल्म में संजय दत्त के पिता और गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त भी दिखाई दिए। इस फिल्म ने ग्रेसी सिंह के करियर को और अधिक बूस्ट देने का काम किया, लेकिन इसके बाद उनके करियर का ग्राफ अचानक नीचे गिर गया और इसके पीछे का कारण है कि वो ऐसी किसी भी फिल्म में अभिनय नहीं करना चाहती थी जिसमें उन्हें बोल्ड लुक देना पड़े। उन्होंने कई फिल्मों को करने से मना कर दिया। दोस्तों, इस वजह से उन्हें फिल्मों के ऑफर आने कम हो गए और एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास फिल्में आना बंद हो गईं, जिसके चलते उन्हें बी ग्रेड की फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उन्होंने हिंदी के अलावा कई अन्य भाषाओं की फिल्मों में काम किया, जैसे तेलुगु, मलयालम, पंजाबी और गुजराती, लेकिन उन्हें कहीं भी सफलता नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने खुद को छोटे पर्दे पर शिफ्ट कर लिया और यहाँ भी उन्हें पौराणिक कथाओं के रोल ही मिलते थे। उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया और दर्शकों को रोमांचित भी किया, लेकिन फिर से वो उस मुकाम पर नहीं जा पाएं जिस मुकाम पर वो पहले कभी थी। अध्यात्म से जुड़ने के बाद वो सिर्फ पौराणिक कथाओं के किरदारों में नजर आने लगी। उनकी आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी ब्लू माउंटेन, जिसमें वो एक सहायक भूमिका में दिखी। दोस्तों, बात करें उनके निजी जीवन की तो वो फिलहाल अनमैरिड हैं। जी हाँ, उन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया है। दरअसल खबरों के मुताबिक कुछ वर्षों से वो ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़ी हुई हैं, जिसका मेंबर रहने के लिए अनमैरिड रहना बहुत जरूरी है। वो सिख धर्म से बिलोंग करती हैं और उनके पिता का नाम स्वर्ण सिंह है, जो कि एक डॉक्टर हैं। वहीं उनकी माता वर्जिंदर कौर एक हाउसवाइफ थी, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं। उनके भाई का नाम रूबल सिंह है और बहन का नाम लीसा सिंह है। खैर, उनके भाई बहनों के बारे में इससे अधिक जानकारी नहीं है। अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में ग्रेसी सिंह ने काफी नाम कमाया और इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक शानदार अदाकारा रही हैं और आज भी हैं। लेकिन वो फिल्मी दुनिया से इस तरह गायब हुई कि किसी को पता नहीं चला। इवन खुद उन्हें ही नहीं पता चला कि उनके करियर का ग्राफ कैसे नीचे गिर गया। हालांकि आजकल वो सबसे ज्यादा अध्यात्म को फॉलो करती हैं और अभिनय के फील्ड से काफी कम नजर आती हैं। हमने अभी अभी जिक्र किया है कि वो शादीशुदा नहीं हैं। खैर, आज वो 43 वर्ष की हो चुकी हैं और अपने सेहत का काफी ख्याल रखती हैं। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। वैसे क्या आप उनके बारे में इससे पहले से जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।